मैंने सोचा कि मैं आप सबको एक स्नीक प्रीव्यू दे दूं। दो स्लोगन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, माँ की दुआ, जन्नत की हवा या पप्पू यार तंग ना कर। कौन इनाम घर जाएगा और कौन अपने घर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। Which is why I wish you all the very best of luck. और प्लीज याद रखिएगा, जितनी काबिलियत उतना इनाम। कोई डरने की बात नहीं है, डोंट बी नर्वस, रिलैक्स। सिर्फ 4 करोड़ का सवाल है, ओनली 4 करोड़, नो प्रेशर व्हाटएवर। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? सुनो, माँ की दुआ लेकर आना, पप्पू नहीं बन के आना, ठीक है? ऑलराइट, गुड लक। वालेकुम अस्सलाम, हिरा अमजद, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, शेख अमजद रियाज साहब आपके वालिद हैं? हाँ जी। अच्छा जी, हयात है? हाँ जी, अल्लाह ताला उनका साया आप पर तादीर सलामत रखे। और आप अभी मास्टर्स आपने किस शोबे में किया है? मैंने मार्केटिंग में किया आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मार्केटिंग में क्या मास्टर्स किया आपने, क्या पढ़ाया गया आपको? मार्केटिंग में सेल से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, ये सब पढ़ा। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कोई भी लोगो, नेम, सिंबल, एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका इनाम घर है, इसकी एक आइडेंटिटी है, आपने एक लोगो भी बना दिया। मैं भी क्या कोई ब्रांड हूँ? आप कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जो आपके क्या कह सकते हैं एम्बेसडर, वो जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, क्यों? मैं किसका ब्रांड हूँ? मैं जियो का ब्रांड हूँ? हाँ। या मैं जियो की मार्केटिंग हूँ? जियो की मार्केटिंग के ब्रांड कह सकते हैं। मैं आपको बताऊँ मैं क्या हूँ? मैं जियो की मार्केटिंग भी हूँ, मैं जियो की सेल्स भी हूँ, मैं जियो का ब्रांड भी हूँ। तो ये मैं काफ़ी चीज़ें हूँ जियो। चले, नहीं अच्छा लगा कि आप मार्केटिंग में माशाल्लाह आपने मास्टर्स किया है और बहुत अच्छा शोबा आपने मुंतखब किया है। और इसमें इंसान में एतमाद में इजाफा होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है और जहन खुलता है। हाँ, और फिर ये पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं और उनके बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ आपकी, यकीन अच्छा, करें आपके पास आते वक्त जो है बिल्कुल कांप रही थी, इतना डर लग रहा था। मैं डरने वाली चीज़ तो नहीं नहीं, बस वो एक सारे आप एक फ़ैन होते हैं, आपके माइंड में एक इमेज भरी हुई होती है बंदे की। और यकीन, रमज़ान का आपका जितना भी प्रोग्राम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज होती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हेरा। अब आप मुझे बताएं, शोबा कौन सा आपकी मर्ज़ी का मैं मुंतखब करूं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा मैंने है ओवरऑल, लेकिन इस्लामियात से पूछ ले, लेकिन थोड़ा आसान। कुरान का लफ्ज़ सबसे पहले किस सूरह मुबारक में नाजिल हुआ? ये बिल्कुल शुरू का मैंने पेजेस खोले आपके लिए। कुरान का लफ्ज़ सबसे पहले किस सूरह मुबारक में नाजिल हुआ? सूरतुल बकरा? नहीं, सूरह मुज़म्मिल। मुज़म्मिल। अच्छा चले, लफ्ज़ कुरान के माने बता दे मुझे। बार बार पढ़े जाने वाली किताब। बार बार पढ़े जाने वाली किताब, उसको कुरान कहते हैं। पक्की बात है? लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने रखा। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, ये आपके लिए है। लेकिन अगली दफ़ा हेरा आपने पूरी तैयारी के साथ आना है। थैंक यू। अगले राउंड के लिए सेलेक्ट होगी। वेलकम करते हैं जनाब पप्पू। ये शाहिद अली साहब, तलब अली नाम है आपका? जी जी। और आप अभी तक शादीशुदा नहीं हैं? जी जी। चलो, आप ये बताओ मुझे कि किस शोबे से सवाल कर लूँ मैं आपसे? क्रिकेट से कर लें। क्रिकेट बुक में तो बहुत पुराने लिखे हुए, आप लेटेस्ट कर लें। तो बुक नहीं पढ़ी आपने? बुक पढ़ी है, लेकिन बुक से ही तो करनी है हमने। आप छोड़ देना, बुक में तो बहुत सी चीज़ें पुरानी होती हैं, हम तो आज भी वही बुकें पढ़ते हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं। पुरानी बातें भी अच्छी लगती हैं ना यार, कभी कभी याद आ जाता है पुरानी बातें। और मैं तो खैर पुरानी बातों का आशिक हूँ। ये बताइए मुझे कि वो, चलो मैंने बुक ही बंद कर दी, क्रिकेट मेरा भी अच्छा एक शोबा है, मुझे भी बहुत पसंद है। वेस्ट इंडीज़ के दो बड़े ज़बरदस्त ओपनर्स थे, जब वो आते थे तो बहुत देर लगती थी उन्हें आउट होने में। उन दोनों ओपनर्स के नाम बता दें आप, या उनमें से किसी एक का ही नाम बता दें। मार्शल, आई थिंक माइकल मार्शल। मेलकम मार्शल तो बॉलर था। अच्छा, वो तो बॉलर थे। ओपनर्स रिचर्ड्स थे और सोबर्स थे। रिचर्ड ने कभी भी ओपनिंग नहीं की। गैरी सोबर्स थे। गैरी सोबर्स ने किया, लेकिन बट रिचर्ड्स ने तो कभी भी ओपनिंग नहीं की। मगर एक दो ओपनर्स थे, जब आते थे तो फिर उनको आउट करना बहुत मुश्किल होता था। क्लाइव लॉयड भी थे। क्लाइव लॉयड ने भी वन डाउन हमेशा बैटिंग की है, ओपनिंग कभी कभी की है। क्लाइव लॉयड तो कैप्टन भी थे वेस्ट इंडीज़ के। ओपनर सर, ये किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? मतलब
ये हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हमारे अम्मा अब्बा क्रिकेट देखा करते थे, मतलब कि 70s 80s की, 80s में, 80s की बात कर रहे हैं। गॉर्डन ग्रिनिच और डेसमंड हेन्स, चले कोई बात नहीं आगे चलते हैं। आजकल एक जबरदस्त कमेंट्री करते हैं एक बॉलर है, उसका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है और वो आजकल कमेंट्री भी करते हैं। आजकल कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल करते हैं। होल्डिंग तो नहीं, माइकल होल्डिंग? माइकल होल्डिंग, जी जी, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी आपने सही दे दिया। अब आखिरी सवाल आपसे करूँगा, और अगर आप इसका जवाब दे देंगे, चूंकि आपने लेटेस्ट क्रिकेट के बारे में कहा है तो इसी से मुतालिक मैं आपसे पूछा, इंजमामुल हक कब उभर के सामने आए थे? सर 92 का वर्ल्ड कप जब उन्होंने खेला, कौन सा मैच था वो? जब ये इन्होंने सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। किसने खिलाया था उनको साथ? अपने साथ उनके थे जावेद मेहदाद थे, और वो सेमीफाइनल था जिसमें इंजमामुल हक ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया था, और फिर उसके बाद हम फाइनल्स में पहुंचे थे। जी जी, फाइनल्स में भी इंजमामुल हक ने अच्छा खेल खेला था, फाइनल में भी वो रन आउट, इतने फाइनल भी अच्छा खेला था उन्होंने। नहीं, जावेद मियादाद ने बैटिंग अच्छी नहीं की थी फाइनल में? फाइनल में बैटिंग अच्छी की थी उन्होंने भी, मेरे भाई उन्होंने ही अच्छी की थी बैटिंग। अच्छा, उन्होंने अच्छी नहीं की थी, उन्होंने ही अच्छी की थी, उन्होंने अच्छी की थी सर। वो टीम के साथ शुरू से गए थे जावेद मियादाद? शुरू से ही थे सर, शुरू से ही थे, शुरू से ही थे। मेरे भाई उन्हें छोड़ के चले गए थे, बाद में बुलाया था जब हारने लगे थे, कमर के दर्द की वजह से उन्हें छोड़ गए थे। अच्छा, बाद में बुलाया है जब मुसलसल हार रहे थे, और मियां दास साहब ने ही आकर ये वर्ल्ड कप जिताया है। वो भूल नहीं सकता जी, भूल गए थे आप तो, मुसलसल भूले जा रहे थे। मैंने बोला शारजा का छक्का याद है? जी बिल्कुल। किसकी बॉल पे लगाया था सर? वो शर्मा कोई था, आई थिंक कोई चेतन शर्मा, चेतन शर्मा। और आखिरी रन किसने लिया था? रन अब्दुल कादिर साहब ने शायद, तौसीफ अहमद ने लिया, तौसीफ। एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को तो दिरहम 8 मिलेंगे। तौसीफ अहमद साहब का भी नाम याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना? चलो जी, माँ की दुआ जन्नत की हवा, आप भी सिलेक्ट हो गए। तलहा हबीब साहब जी, और आप हैं हबीब अहमद शेख साहब जी। हिमेश रेशमैया से बहुत इंस्पायर्ड हैं आप, बाल वैसी बनाए हुए आप। अच्छा तलहा, ये मुझे बताएं आपकी कोई शोभा आपका कौन सा है? अदबी मालूमात। अदबी मालूमात, ज्यादा नहीं किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अदबी मालूमात, तो मेरे मतलब के आदमी निकल आए आप, तो अदबी मालूमात माशाल्लाह है। तो ये बताएं, 2-3 अशआर पढ़ता हूँ मैं, मुझे बताइएगा किसके शेर हैं ये, क्योंकि अदब बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत मुझे खुशी हुई कि ये ज़ौक आपका इस उम्र में है, अल्लाह ताला से और परवान चढ़ाए अदबी ज़ौक। तो ये मुझे बताइए कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, ईमां मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। सॉरी। अच्छा चलें और पूछ लेते हैं। दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। अब अगर हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आगे चले। चिपक रहा है जो ना टपके आंखों से, नहीं नहीं अभी चल रहे ना, आगे आगे चलते हैं ना जी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में फिरने, हाँ सही, अब वजन मिलाओ, वजन में, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, वाह यस, जो आंख से ना 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 ना, फाइलतुन फाइलतुन फाइलात में करना है ना इसे, ये समझते हो ना अब ये क्या होता है जी, इस पे शेर कहा जाता है ना, फाइलतुन फाइलतुन फाइलात, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख जो नहीं आएगा ना, फाइल में नहीं आ रहा ना, फाइलतुन 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 फाइलात, मतलब ये होता है शेर कहने का तरीका, इसमें बहर बनाई जाती है, फाइलतुन 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 फाइलात, या फाइलतुन फाइलात, या फाइलतुन फाइलतुन फाइलात, तो ये बनता है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, فائلتن 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 فائلات. اب اگر آپ جو بولیں گے نا تو پھر وہ فائلتن میں نہیں آئے گا, سکتا آ جائے گا. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ہم کو ان سے ہے نہیں آئے گا نا وفا. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. آئے ہائے, پھر غلط پڑ گئے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اس کا پہلا شعر بتا دیں اور آپ نیکسٹ راؤنڈ میں چلے جائیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. پپو یار تنگ نہ کر. تھینک یو. تھینک یو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا بڑا واقعہ ہوا تھا؟ سر میں بالکل بلینک ہو گئی ہوں اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کلمہ طیبہ کا ترجمہ بتا دو. ترجمہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہے. نہیں نہیں, ترجمہ صحیح بتاؤ. لا سے شروع کرو. لا. سوالات سے ڈر نہیں لگتا, عامر بھائی سے ڈر لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شایان احمد صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک. آپ بھی بی ای کر چکے ہیں اور وہ بھی آپ نے کی ہے؟ نہیں سر, کر رہا ہوں پالیمر انجینئرنگ کر رہا ہوں. ہاں پالیمر انجینئرنگ. تو یہ تو انجینئرنگ بڑا, یہ تو بڑا آپ نے ریئر سبجیکٹ لے لیا ہے. یس سر. کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے ساتھ؟ سر اپروکس 50-80 اسٹوڈنٹس ہیں. کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا ہوتی. یس سر, بیسکلی میں یہ بولنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اویئر ہونا چاہیے پالیمرس کے بارے میں. اٹس جسٹ پلاسٹکس ریلیٹ, یعنی کہ جتنی بھی پلاسٹک سے ریلیٹ چیزیں ہیں ہم ان کو پروسیس کرتے ہیں, ان کی پالیمرائزیشن دیکھتے ہیں. اور پالیمرس جسٹ ایک چیز نہیں ہے, ہمارے اندر بھی پالیمر پایا جاتا ہے. مینس ہمارے سیلس ہیں, مینس یہ کمبینیشن آف بہت سارے اسمال یونٹس. اٹس اے مرز اور اٹس بیکم دا پالیمرس. تو آپ یہ لوگوں کو مشورہ بھی ساتھ ساتھ دیں کہ جو پالیتھین بیگز ہیں ان کو نہیں پھینکا کریں. جی ہاں, یہ اس کے سر کاؤنٹر میں کر رہے ہیں کہ ایک بایو ڈیگریڈیبل نکالا ہے. پالیتھین بیگ سے کتنا انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے یہ بتائیں. بہت زیادہ ہزارڈ ایئرز ہے اور پالیتھین بیگ سے جو ہے وہ لائنس وغیرہ جو ہے اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو. اور موسٹلی یہ برن کر دیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہی نکلتی ہے, پھر اس سے ہماری اوزون لیئر افیکٹڈ ہے. جی یہ اب آپ پہنچے ہیں صحیح جگہ. یہ اب پتہ چلا ہے کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں بڑی دیر سے تلاش میں تھا کہ اوزون لیئر تک آپ کب پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوزون لیئر تک بھی آپ پہنچ گئے. ہو گئے سر. ہاں یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت اوزون لیئر کی کیا حالت ہے؟ ایک ہی چیز سنا ابھی تک. اچھا, لیکن وہ مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ یعنی اب اس میں اتنی صلاحیت اور یہ قوت مدافعت نہیں رہی ہے. یس سر, یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا سر. اب اس کے افیکٹس اب آنا اسٹارٹ ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے اور اتنی گرمی پڑ رہی ہے اسپیشلی کراچی کے اندر. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ انوائرمنٹ ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے. اب اس کا افیکٹ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ سردی بھی زیادہ پڑ رہی ہے اور گرمی بھی زیادہ پڑ رہی ہے. ٹریفک جیم اثر ڈالتے ہیں اس پر؟ ٹریفک جیمس, یس سر. جتنی گاڑیاں دیر تک رکے رہیں گی اتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالیں گی, کاربن مونوآکسائڈ نکالیں گی, جو یورو 2 وغیرہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بہت آگے جائیں گے آپ ماشاء اللہ. تھینک یو سر. بہت آپ کو ماشاء اللہ ماحولیات کے بارے میں اور اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کافی چیزیں پتہ ہیں. کتاب میں سے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ سر میری فیلڈ سے ریلیٹ پوچھ لیجیے. چلے میں آپ سے اسلامیات سے پوچھ لیتا ہوں. چلے صحیح سر. یہ مجھے بتائیے کہ اسلامیات سے متعلق میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی والا. سلامتی والا, مذہب. گڈ. سلامتی, پیس, امن. پیس, امن, لولی. دوسرا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ سورہ فاتحہ. یس سر. جو آپ پڑھتے بھی ہوں گے پڑھاتے بھی ہوں گے. یس سر. کتنی آیات ہیں اس میں سر؟ سورہ فاتحہ گن رہے ہیں آپ؟ گننا شروع کر دیا آپ نے سر. اپروس 5. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم,
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار، اهدنا الصراط المستقیم، پانچ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چھ اور سات، سات، سات ہوئی. yes, اس لیے اس کو کہتے ہیں السبع المثانی، سات آیات والی سورہ. ٹھیک سر، سورہ الگ، سورہ فاتحہ. یہ ام الکتاب بھی ہے، یہ قرآن کی جان بھی ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی بھی ہے، اور یہ تمام بلیات آفات سے بچاتی بھی ہے. یہ قرآن بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. اس میں بہت کچھ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت تعریف، کیونکہ خدا ہی اپنی تعریف کروا سکتا ہے، بندے تو کر نہیں سکتے. لہٰذا اللہ نے ہی اپنی تعریف کا طریقہ ہمیں سکھایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف اس خدا کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ماں کی دعا، جنت کی ہوا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اس کے لیے چلیں گے، لیکن پلیز آپ پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور باڈی شاڈی بھی بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے. آپ تالیاں بجا دیجیے جناب. آگے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ون کر کے جناب؟ بہت اچھا لگ رہا ہے سر. پتا تھا کہ تم یہ لے کر آؤ گے؟ ہاں تھوڑا تھوڑا، لیکن سکس سینس کام نہیں کر رہی تھی، کہہ رہے تھے. ماں کی دعا تمہارے ساتھ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے ماں کے ساتھ. اگر تم آئے 4.5 کروڑ روپے تک کی مالیت کے انعامات تم نے جیت لیے، گھر کمپلیٹ، فرنیش، 2 گاڑیاں، زیورات اور پتہ نہیں کیا کیا، تو کیا کرو گے تم؟ بس خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. دیکھو پاگل نہیں ہونا، خوش ضرور ہونا. تھینک یو سو مچ. بایو ٹیکنالوجی میں ایم ایس سی کیا ہے؟ جی سر. کچھ ہمیں اس شعبے کے بارے میں بتائیں. سر یہ وائرس، اس میں ہم ڈفرینٹ اسٹڈیز کرتے ہیں، وائرس کو اسٹڈیز کرتے ہیں، بیکٹیریاز کو کرتے ہیں، اور جین کے بارے میں پڑھتے ہیں، جینیٹک کرتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ، بایو کیمیکل انجینئرنگ، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. اس کا اسکوپ اپلیکیشن ہماری فارمیسیز میں ہے، لیبارٹریز میں ہے. تو یہ ڈی این اے کس کا مخفف ہے سر؟ آپ کا شعبہ ہے اور آپ نے ایم ایس سی کیا ہے، آپ جینیٹکس پڑھ رہی ہیں، اینڈ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دی ایبریویشن ڈی این اے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت فروخت کرنے کے لیے دوسرے ملک تشریف لے گئے، تو ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا حضرت خدیجہ کا، اس کا نام بتایا آپ کو؟ فتح الغیب کس کی تصنیف ہے؟ دوسرا سوال پوچھ. طواف افادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ طواف افادہ کیا، خانہ کعبہ کا تو طواف ہی ہوگا نا، طواف افادہ کیا مطلب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا بڑا واقعہ ہوا تھا؟ سر میں بالکل بلینک ہو گئی ہوں اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کلمہ طیبہ کا ترجمہ بتا دو. ترجمہ؟ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہے. نہیں نہیں، ترجمہ صحیح بتاؤ، لا سے شروع کرو. لا یہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو آپ فارغ ہیں. نہیں نہیں پلیز نہیں. کہتا نہیں میری بہن، ابراہ لشکر لے کے آیا تھا کعبہ کو اٹھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے نیست و نابود کیا تھا. میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ آپ اگلے راؤنڈ کے لیے نہیں جا سکیں گی، تو آپ کا یہی ہے، پپو یار تنگ نہ کر. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ایک سوال اور. نہیں نہیں بالکل نہیں، جائیں چلیں، شاباش. نہیں سر، میسرا نام تھا. میسرا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی، بڑی نعمت آپ کی. تھینک یو پپو یار تنگ نہ کر. تھینک یو سر، پلیز. تھینک یو، تھینک یو، اور کچھ پوچھ لیں سر. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. آپ پپو بن کے آ گئی؟ او نو 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 نو، آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری. کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھتے اور کسی سے 10 کوشچن 20 اتنے سارے سارے کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہاں ہم پوچھ کے بڑھتے پوچھ کے بھیج رہے ہیں ان کو. آپ ڈاکٹر عامر صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں میں کہنا چاہوں گی کہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، بہت زیادہ فیورٹیزم ہے. کسی آپ آپ پیار سے کہنا جو کہ. میں پیار سے کیوں کہوں، کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہے اور کسی کو اتنا الجھا رہے ہیں، اتنا الجھا رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اسٹیتھوسکوپ کے بغیر بھی کیا بلڈ پریشر چیک کیا جا سکتا ہے؟ اسٹیتھوسکوپ وغیرہ جی. کیسے؟ سسٹولک ہوگا تو ہلکی سی اس میں ایک. یس، کیری آن. اچھا منہ دکھائی میں کیا دو گے بیوی کو، کبھی سوچا ہے؟ اس منہ کے علاوہ کیا دکھائی میں دو گے منہ؟
सर मैं आंसर यही देने वाला था. कोड डिकोड पढ़ा है आप? जी आइडिया है थोड़ा. थोड़ा सा आइडिया? जी जी. डिकोड कैसे होता है? किसी भी मैसेज जो सिग्नल जाता है उसको मतलब इस तरीके से होता है वो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दानियाल साहब. वालेकुम सलाम. कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक. और शाहिद हनीफ साहब आपके वाले? जी हाँ. दानियाल कौन थे? दानियाल मैं हूँ ना. नहीं कौन थे जिसके नाम पे नाम रखे? दानियाल एक बादशाह थे सुना है बहुत दानेश्वर किस्म के. पैगम्बर थे? पैगम्बर जी. बादशाह नहीं थे पैगम्बर थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम. ठीक है जी. और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही जीरक दानिश्वर और ज़ाहिर है कि पैगम्बर हैं तो उनके अपने फ़ज़ाइल हैं. तो कौन सा शोबा आपका? मेडिकल. एटलस बताइए जो आप पढ़ते हैं एनाटॉमी का. एटलस वो जो डायग्राम्स इसमें होती हैं जी. उस किसका लिखा हुआ है वो? किसका बनाया हुआ है एटलस का? बड़ा मशहूर है उसका नाम. जैसे ग्रेस की फिजियोलॉजी है जी जी जी. तो एनाटॉमी भी किसी की है? नहीं एटलस हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे में स्नेल है, केएलएम है, कीथलमूर और ये स्नेल कीथलमूर और ग्रेस तीन ही हमें मिली. अच्छा एनाटॉमी में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे आर्टीरियल सिस्टम? आर्टीरियल सिस्टम विच सप्लाइज द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी. जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है हार्ट से वो सारा आर्टीरियल सिस्टम है. सो what is venous system? Venous system drainage system of the body which drains the blood from all over the body into back toward the heart. Or can you differentiate between the veins and arteries? These veins are those vessels which carry blood towards the heart and arteries are those vessels which carry blood away from the heart. badhiya aapne to yaar taiyari karke rakhi hui hai. So can you describe the structure of the heart? Yes. Heart contains four chambers. Okay. Basically two chambers, the ventricle and atrium. Atrium is further divided into right atrium and right left atrium, ventricle into the right ventricle and the left ventricle. And what is the process, and what is the classification of truncus arteriosus? Truncus arteriosus, it is embryological, it is the development of heart. Basically yes. Heart develops. But you missed it. Truncus arteriosus, in the fully developed adult heart, truncus arteriosus, just remnants of the truncus arteriosus are present. Not all the truncus arteriosus, basically truncus the primitive ventricles develop from the truncus arteriosus. But the truncus arteriosus is the major part of the heart. It's a developing part. Yes, yes. ये lungs का जो structure बनता है इसको किससे मुमासलत दी जाती है कि lungs are similar to? Pyramidal shape होता है lungs का. Are similar to? जैसे लाइक किडनीज आर सिमिलर टू बीन्स. बीन्स सो लंग्स आर सिमिलर टू? लंग्स आर सिमिलर टू किडनीज बताओ ने फॉरन कट करके बताया. बीन्स सो लंग्स आर सिमिलर टू? दे कैन बी सिमिलर टू एनीथिंग व्हिच इज कर्व्ड. कर्व कर्व काफी है ना. कर्व जो भी चीज कर्व है वो रिब्स उससे सिमिलर है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात. ये जो दिल है ये कौन सी तीन पसलियों के दरमियान होता है? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के दरमियान में. अच्छा. एपिक्स ऑफ द यहाँ पर जो हार्ट बीट हमें फील होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मीनिंग फोर्थ एंड फिफ्थ के दरमियान में मिलती है. तो हार्ट बेसिकली तो यहाँ से ही शुरू होता है. हाँ वो जो यहाँ से शुरू होता है वो वाली पसली कौन सी है? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ. थर्ड पसली से शुरू होता है और फिफ्थ तक जाता है जी. और बीट हमें महसूस होती है फिफ्थ पर इंटरकोस्टल स्पेस में. ठीक है. स्टेथोस्कोप के बगैर भी क्या ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है? स्टेथोस्कोप वगैरह जी. कैसे? जो हम स्टेथोस्कोप के बगैर डायरेक्टली सिंपली हम हाथ से मेजर कर सकते हैं? नहीं, अगर हमने मीटर लगा दिया है और स्टेथोस्कोप नहीं है तो हम जो मीटर है उसको क्या क्या रीड करेंगे? जब जब सिस्टोलिक होगा तो हल्की सी उसमें एक यस कैरी ऑन पिक्सर करेगी जी. जो वो सिस्टोलिक शुरू हो जाएगा जी जी जी. और चलती 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 जब वो रुक जाएगी तो वो डायस्टोलिक हो जाएगा जी. माँ की दुआ जन्नत की हवा. मगर अगली दफ़ा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आने आप. हमने सही के फायर किए मुझ पर. अच्छा। बहुत ही कभी कभी तो एक दो क्वेश्चन में तो टैंक भी चला है मगर कच्ची गोटियाँ तो हमने भी नहीं खेली थी. अच्छा ठीक है फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आपके सामने है. अस्सलाम वालेकुम सरदार मोहसिन मोहम्मद साहब. वालेकुम अस्सलाम सर. और सरदार मोहम्मद खान साहब आपके पास सरदार हैं हम जी सर.
सरदार का मतलब क्या होता है सर? वैसे तो सरदार सिखों के लिए है या सिख कौम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा जो है ना, नहीं 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 सरदार सिखों के, खुद ही सोच लिया सरदार सिखों के लिए। सरदार तो हमारे नबी भी सरदार हैं। अच्छा, सरदार हैं, सरदार आका को कहते हैं, मौला को कहते हैं। वैसे जो सरदार यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब के पाको हिंद में, नहीं नहीं भाई मेरे नाना सरदार अली साबरी थे, तो क्या सिख थे भाई? और सर हमारा जो है जिस तरह, एक मिनट, सरदार अली साबरी मेरे नाना थे, सिख थे? सरदार अब्दुल रब निश्तर क्या सिख थे? नहीं सर। है सरदार हयात अली खान साहब क्या सिंध सिख थे? नहीं। तो ये मतलब सरदार आपने खुद तय कर लिया। पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सरदार जो है वो बड़ों को कहा जाता है। हाँ, तो ये बोले ना बड़े आका, बड़े मालिक, तो सरदार। जी सर। तो ये कोई मुंसलिक नहीं है, और सारे सिख सरदार नहीं होते भाई। तो अभी तक शादी नहीं हुई आपकी? नहीं सर। होने वाली है? मुस्कुराहट से पता चला मुझे, मुझे तो नहीं पता, चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत बाछे खिल गई आपकी। नहीं सर, अभी तक तो कुछ फाइनल लड़की तो देख लिया आपने 100%? मैं आपसे तय बात, मैं कसम खुदा की बता रहा हूँ, आपने देख ली लड़की? नहीं नहीं सर। लड़की देख लिया? वो सर मम्मा का काम है। नहीं, वो जो है ना, वो जो मम्मा को बता तो दी है ना? नहीं नहीं नहीं, वो बताई तो है मम्मा का, मम्मा को कुछ बताया आपने जरूर है। मेरा असल में सर बिजनेस है, तो मैं ज्यादातर घर से बाहर होता हूं। मेरा अपना बता रहा हूं। अच्छा, अपना बिजनेस करता हूं, तो मैं ज्यादातर बाहर ही होता हूं घर से। अच्छा, तो जिसने मतलब जो उनको बेहतर लगेगी, क्योंकि रहना तो। अच्छा, आपने बिजनेस करके बाहर चले जाना है और लड़की को मम्मा के पास छोड़ जाना है, तो मतलब हमें लड़की से जो शादी आप कर रहे हैं, जो करेंगे वो आप, वो मम्मा सही करा दें फिर? नहीं सर, अल्लाह ना करे। नहीं तो फिर आप कहने ना, मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं सर, छोड़ के जाने का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर मैं घर से बाहर ही होता हूँ, अब्बू का बिजनेस हैंडल करता हूँ। कौन रहेगा आपके साथ जब उसको पता चलेगा कि आप बाहर ही रहते हैं? ख्याल तो रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, भी है इस चीज़ का। तो कितना ख्याल रखोगे आप? सर जितने उसके हकूक होंगे जायज, वो देने की तो पूरी कोशिश। क्या क्या हकूक हैं बीवी के, क्या क्या है सर? पहला तो जिस तरह आपने बोल दिया वक्त का, केयर सबसे बड़ी बात। केयर कैसे करोगे अपनी बीवी की आप? सर ये तो जब वक्त आएगा तभी ऐसी पूछ रही, ये हो सकता है इसी में आप सेलेक्ट हो जाओ, ये भी आपकी सिलेक्शन के सवाल हो सकते हैं। आप बीवी की केयर कैसे करोगे? सर असल में केयर में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसको टाइम दें, उसका ख्याल रखें। टाइम दिया आपने, ले गए घुमाने फिराने, चले ये तो हो गया। अब दूसरी केयर में शॉपिंग वगैरह हो गया सब चीज़, ये केयर में आता है। और केयर में क्या आता है? और जो भी चीज़ें सर वो बोलेंगी फिर, अभी तो ये तो वक्त पर डिपेंड करता है। अच्छा, मुँह दिखाई में क्या दोगे बीवी को, कभी सोचा है? इस मुंह के अलावा क्या दिखाई ईद में दोगे मुंह? सर मैं आंसर यही देने वाला था। और सर उसके अलावा सर रिंग या पायल वगैरह जो भी, मतलब के रिंग या पायल जो पसंद हो। रोमांटिक आदमी हो आप, पायल की बात आपने की है तो इसका मतलब रोमांटिक आदमी हो आप। पायल अच्छी लगती है आपको? सर अच्छी चीज है, नाजुक सी। जी वो दोगे आप मुंह दिखाई में, ये सोचा हुआ है आपने? सोने की दोगे या चांदी की? सोने की देंगे, इतनी तो इस्तेताअत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सवाल ववाल कुछ पढ़ा हुआ है, आलमी मालूमात किताब? सर मैंने करंट, जो आपके करंट अफेयर्स हैं, करंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स करंट अफेयर से पूछ लूं? पूछ लें, जो आजकल हालात हैं उसे पूछ लूं आप? पूछ लें आप। अच्छा, पूरी आपने आजकल खबरें वबरें देखते हैं, पढ़ते हैं आप? सर देख लेते हैं ऑफिस से, मतलब जब वापस आता हूं देख लेते हैं। क्या कहते हैं सर? जब वापस आता हूं बिजनेस से फ्री होके तो टीवी देखता हूं, न्यूज़ वगैरह। बिजनेस क्या करते हैं आप? सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा, उसके अलावा सर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम लोग, पोर्ट कासिम अथॉरिटी में। लेकिन करंट अफेयर्स में नजर आपकी पूरी है सर? बिल्कुल, उस पर आपकी निगाह मुकम्मल है। चलो करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ पता है, आपको जो है वो हम माँ की दुआ जन्नत की हवा दे रहे हैं। आप अगले राउंड के लिए मुंतखब हो गए, ये लीजिए आप, लेकिन पढ़ के आना, अब करंट अफेयर्स पर नहीं चलेगा अगली दफा, ठीक है? अज़र भाई आई लव यू, अज़र भाई आई लव यू। कौन सा जहर है जिसका आज तक जायका नहीं मालूम हो सका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जी जब अपने रब से मुलाकात के लिए सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए थे जी, जी। तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त दो आयात आपको तोहफे के तौर पर दी थी, वो किस सूरत में है? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दानियाल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक। और शाहिद हनीफ साहब आपके वाले? जी हाँ। दानियाल कौन थे? दानियाल मैं हूँ ना। नहीं कौन थे जिसके नाम पे नाम रखे? दानियाल एक बादशाह थे, सुना है बहुत दानेश्वर किस्म के। पैगंबर थे? पैगंबर जी, बादशाह नहीं थे, पैगंबर थे, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही जीरक दानिश्वर और ज़ाहिर है कि पैगंबर हैं, तो उनके अपने फ़ज़ाइल हैं। तो कौन सा शोबा आपका? मेडिकल।
एटलस बताइए जो आप पढ़ते हैं एनाटॉमी का. एटलस वो जो डायग्राम्स इसमें होती हैं जी, उस किसका लिखा हुआ है वो, इसका बनाया हुआ है एटलस का, बड़ा मशहूर है उसका नाम. जैसे ग्रेस की फिजियोलॉजी है जी जी जी, तो एनाटॉमी भी किसी की है. नहीं, एटलस हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे में स्नेल है, केएलएम है, कीथलमूर और ये स्नेल कीथलमूर और ग्रेस तीन ही हमें मिली. अच्छा, एनाटॉमी में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे आर्टीरियल सिस्टम? आर्टीरियल सिस्टम विच ड्रेन्स विच सप्लाइज द ब्लड टू ऑल ऑफ द बॉडी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है हार्ट से, वो सारा आर्टीरियल सिस्टम है. सो व्हाट इज वेनस सिस्टम? वेनस सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी विच ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी इनटू बैक्स टुवर्ड द हार्ट. और कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेन्स एंड आर्टरीज? दिस वेन्स आर द दोज वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड आर्टरीज आर दोज वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. बढ़िया, आपने तो यार तैयारी करके रखी हुई है. सो कैन यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट? जिस यस, हार्ट कंटेन्स फोर चैम्बर्स, बेसिकली टू चैम्बर्स, द वेंट्रिकल एंड एट्रियम. एट्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट एट्रियम एंड राइट लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसिस? Truncus arteriosus, it is embryological, it is a development of heart. Basically, yes. Heart develops. But you missed it. Truncus arteriosus, in the fully developed adult heart, truncus arteriosus, just remnants of the truncus arteriosus are present. Not all the truncus arteriosus. Basically, truncus the primitive ventricles develop from the truncus arteriosus. But the truncus arteriosus is the major part of the heart. It's a developing part. Yes, yes. ये lungs का जो structure बनता है, इसको किससे मुमासलत दी जाती है कि लंग्स आर सिमिलर टू? पिरामिडल शेप होता है लंग्स का. आर सिमिलर टू, सिमिलर टू, जैसे लाइक किडनीज आर सिमिलर टू बीन्स. बीन्स, सो लंग्स आर सिमिलर टू, लंग्स आर सिमिलर टू किडनीज. बताओ, फॉरन कट करके बताया बीन्स. सो लंग्स आर सिमिलर टू, दे कैन बी सिमिलर टू एनीथिंग व्हिच इज कर्व्ड. कर्व, कर्व काफ़ी है ना, कर्व. जो भी चीज़ कर्व है वो रिब्स उससे सिमिलर है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात. ये जो दिल है जी, ये कौन सी तीन पसलियों के दरमियान होता है? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के दरमियान में. अच्छा. एपिक्स ऑफ द, यहाँ पर जो हार्ट बीट हमें फील होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, मीन फोर्थ एंड फिफ्थ के दरमियान में मिलती है. तो हार्ट बेसिकली तो यहाँ से ही शुरू होता है. हाँ, वो जो यहाँ से शुरू होता है वो वाली पसली कौन सी है? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ. थर्ड, थर्ड पसली से शुरू होता है और फिफ्थ तक जाता है जी. और बीट हमें महसूस होती है फिफ्थ पर इंटरकोस्टल स्पेस में. ठीक. स्टेथोस्कोप के बगैर भी क्या ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है? स्टेथोस्कोप वगैरह जी, कैसे? जो हम स्टेथोस्कोप के बगैर डायरेक्टली सिंपली हम हाथ से मेजर नहीं, नहीं, अगर हमने मीटर लगा दिया है और स्टेथोस्कोप नहीं है तो हम जो मीटर है उसको क्या क्या रीड करेंगे? जब जब सिस्टोलिक होगा तो हल्की सी उसमें एक यस कैरी ऑन पिक्सर करेगी जी, जो वो सिस्टोलिक शुरू हो जाएगा जी, जी, जी. और चलती 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 जब वो रुक जाएगी तो वो डायस्टोलिक हो जाएगा जी. माँ की दुआ, जन्नत की हवा. मगर अगली दफा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आने. आप हमने सही के फायर किए मुझ पर. अच्छा। बहुत ही कभी कभी तो एक दो क्वेश्चन में तो टैंक भी चला है, मगर कच्ची गोटियाँ तो हमने भी नहीं खेली थी. अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आपके सामने है. अस्सलाम वालेकुम सरदार मोहसिन मोहम्मद साहब. वालेकुम अस्सलाम सर. और सरदार मोहम्मद खान साहब आपके पास सरदार हैं हम. जी सर. सरदार का मतलब क्या होता है? सर वैसे तो सरदार सिखों के लिए या सिख कौम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा जो है ना, नहीं 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 सरदार सिखों के, खुद ही सोच लिया सरदार सिखों के लिए. सरदार तो हमारे नबी भी सरदार हैं. अच्छा. सरदार हैं, सरदार आका को कहते हैं, मौला को कहते हैं. वैसे जो सरदार यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है मतलब के पाको हिंद में. नहीं नहीं हम भाई, मेरे नाना सरदार अली साबरी थे तो क्या सिख थे भाई? और सर हमारा जो है जिस तरह एक मिनट सरदार अली साबरी मेरे नाना थे, सिख थे. सरदार अब्दुल रब निश्तर क्या सिख थे? नहीं सर. हैं सरदार हयात अली खान साहब क्या सिंध सिख थे? नहीं. तो ये मतलब सरदार आपने खुद ही तय कर लिया. पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सरदार जो है वो बड़ों को कहा जाता है. हाँ, तो ये बोले ना बड़े आका बड़े मालिक तो सरदार. जी सर. तो ये कोई मुंसलिक नहीं है, और सारे सिख सरदार नहीं होते भाई. तो अभी तक शादी नहीं हुई आपकी? नहीं सर. होने वाली है,
मुस्कुराहट से पता चला मुझे, मैं मुझे तो नहीं पता, चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत बातें खिल गई आपकी। नहीं सर अभी तक तो कुछ फाइनल लड़की तो देख ली आपने 100%, मैं आपसे तक बात, मैं कसम खुदा की बता रहा हूँ, आपने देख ली लड़की? नहीं नहीं सर, लड़की देख लिया? वो सर मम्मा का काम है। नहीं वो जो वो जो है ना, वो जो मम्मा को बता तो दी है ना? नहीं नहीं नहीं, वो बताई क्या है मम्मा, मम्मा को कुछ बताया आपने जरूर है। मेरा असल में सर बिजनेस है तो मैं ज्यादातर घर से बाहर होता हूं। बिजनेस है? मेरा अपना बता रहा हूं। अपना बिजनेस है। अच्छा, तो मैं ज्यादातर बाहर ही होता हूं घर से। अच्छा, तो जिसने मतलब जो उनको बेहतर लगेगी क्योंकि रहना तो अच्छा, आपने बिजनेस करके बाहर चले जाना है और लड़की को मम्मा के पास छोड़ जाना है, तो मतलब हमें लड़की से जो शादी आप कर रहे हैं, जो करेंगे वो आप, वो मम्मा सही करा दे फिर? नहीं सर अल्लाह ना करे। नहीं तो फिर आप कह रहे ना मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा? नहीं सर छोड़ के जाने का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर मैं घर से बाहर ही होता हूँ, अब्बू का बिजनेस हैंडल करता हूँ। कौन रहेगा आपके साथ जब उसको पता चलेगा कि आप बाहर ही रहते हैं? ख्याल तो रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, इस्लाम में भी है इस चीज़ का। तो कितना ख्याल रखोगे आप? सर जितने उसके हुकूक होंगे जायज वो देने की तो पूरी कोशिश। क्या क्या हुकूक हैं बीवी के, क्या क्या है? सर पहला तो जिस तरह आपने बोल दिया वक्त का, केयर सबसे बड़ी बात। केयर कैसे करोगे अपनी बीवी की आप? सर ये तो जब वक्त आएगा तो ऐसी पूछ रही, ये हो सकता है इसी में आप सेलेक्ट हो जाओ, ये भी आपकी सिलेक्शन के सवाल हो सकते हैं। आप बीवी की केयर कैसे करोगे? सर असल में केयर में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसको टाइम दें, उसका ख्याल रखें। टाइम दिया आपने, ले गए घुमाने फिराने, चले ये तो हो गया। अब दूसरी केयर में शॉपिंग वगैरह हो गया सब चीज़ें, ये केयर में आता है। और केयर में क्या आता है? और जो भी चीज़ें सर वो बोलेंगी फिर, अभी तो ये तो वक्त पे डिपेंड करता है। अच्छा मुँह दिखाई में क्या दोगे बीवी को, कभी सोचा है? इस मुँह के अलावा क्या दिखाई में दोगे मुँह? सर मैं आंसर यही देने वाला था। और सर उसके अलावा सर रिंग या पायल वगैरह जो भी, मतलब रिंग या पायल जो पसंद हो। रोमांटिक आदमी हो आप, पायल की बात आपने की है तो इसका मतलब रोमांटिक आदमी हो आप। पायल अच्छी लगती है आपको? सर अच्छी चीज है, नाजुक सी जी। वो दोगे आप मुंह दिखाई में, ये सोचा हुआ है आपने? सोने की दोगे या चांदी की? सोने की देंगे, इतनी तो इस्तेताअत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सवाल ववाल कुछ पढ़ा हुआ है, आलमी मालूमात किताब? सर मैंने करंट अफेयर्स से पूछ लूं? पूछ लें। जो आजकल हालात हैं उसमें पूछ लूं? आप पूछ लें। अच्छा, पूरी आपने आजकल खबरें वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं आप? सर देख लेते हैं ऑफिस से, मतलब जब वापस आता हूं देख लेते हैं। क्या कहते हैं? सर जब वापस आता हूं बिजनेस से फ्री होकर तो टीवी देखता हूं, न्यूज़ वगैरह। बिजनेस क्या करते हैं आप? सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा, उसके अलावा सर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम लोग कासिम अथॉरिटी में। लेकिन करंट अफेयर्स में नजर आपकी पूरी है? सर बिल्कुल, उस पर आपकी निगाह मुकम्मल है। चलो करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ पता है, आपको जो है वो हम माँ की दुआ जन्नत की हवा दे रहे हैं, आप अगले राउंड के लिए मुंतखब हो गए, ये लीजिए आप। लेकिन पढ़ के आना, अब करंट अफेयर्स पे नहीं चलेगा अगली दफा, ठीक है? अज़र भाई आई लव यू। अज़र भाई आई लव यू। कौन सा जहर है जिसका आज तक जायका नहीं मालूम हो सका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जी जब अपने रब से मुलाकात के लिए सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे जी, जी। तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त दो आयात आपको तोहफे के तौर पर दी थी, वो किस सूरत में है? माशाल्लाह आपने बैचलर्स किया हुआ है जी, और अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी शादी भी हो गई है जी। बच्चे कितने हैं आपके? जी मेरी माशाल्लाह तीन बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तीनों आपको बहुत पसंद करती हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ और इनाम घर में जाऊंगी। तीनों की क्या नाम है? एक सबसे बड़ी का नाम है अरीशा, अरीशा अशरफ, फिर शेजा अशरफ, और सबसे छोटी है मनाहिल। माशाल्लाह। तो आपकी जो बेटियां हैं उन्हें मुस्तकबिल में आपने क्या सोचा है, क्या बनाएंगी उनको? जी मेरी बेटी को मैंने डॉक्टर बनाने का ही सोचा है, मेरे हस्बैंड की भी यही ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। अच्छा बहुत बहुत, आपको पता है मैं भी डॉक्टर हूँ, मुजना जो सवाल जवाब कर रही हैं वो भी डॉक्टर हैं, आपने भी डॉक्टर बनाने का सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। आलमी मालूमात आपने किताब पढ़ी जी, इसका कौन सा शोबा है? मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए मिली क्योंकि वो मार्केट में शॉर्ट थी, तो मुझे कल रात को ही मिली और मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत कुछ तो पढ़ा होगा आपने, सारी रात बैठ के मैंने थोड़ा तो क्या पढ़ा आपने? सब चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी नज़र मारी। कोई थी। कोई ऐसा शोबा बता दें जिससे मैं समझ। मैंने वही और कुरान के बारे में थोड़ा बहुत यानी सही से पढ़ा था। वही और कुरान के बारे में जी। अच्छा तो ये आप मुझे बताएंगे कि कुरान पाक की एक सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब एक मुशरिक आस बिन वाइल ने आपको बे औलादी का ताना दिया था,
उस सूरत का नाम बता देंगे? जी होवल अब्तर सूरत का नाम बता दें। इन्ना ताइना गल कौसर सूरह कौसर पढ़ के सुना दें पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना ताइना गल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का होवल अब्तर। माशाल्लाह सदकल्लाहु लाजीम। अच्छा मुझे बता दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यह आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप अगले मरहले के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जी जब अपने रब से मुलाकात के लिए सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे जी, जी। तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त दो आयात आपको तोहफे के तौर पर दी थी, वो किस सूरत में है? भाई मुश्किल। ये वो आयात हैं जिनको पढ़कर रात को सोना हर मुसलमान पर वाजिब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इन आयात को पढ़ के सोए वो ये समझ ले कि उसके लिए काफ़ी है। मुझे याद है थोड़ा, इतनी अहम है, इतनी अहम तरीन ये वाहिद दो आयात हैं जो अल्लाह ने बराह रास्त नबी करीम को दी हैं, बाकी सब आपके कल्ब अथर पर हज़रत जिब्रील के। कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे पता है इसका जवाब लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा, मुझे पक्का पता है कि क्या है वो आयत, भी मुझे याद थी लेकिन वो अभी निकल गई है मेरे, थोड़ा सा ऑप्शन। मैं आयत नहीं सुननी आपसे, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि वो किस सूरत किस सूरत में। मैंने आयत नहीं सुननी आपसे क्योंकि वहाँ आप शायद अटक जाए, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे सूरत पूछनी है। पढ़ा था ये आखिरी दो आयात हैं, एक सूरत की आखिरी दो आयात हैं, और ये अल्लाह ने बराह रास्त बेहिजाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अहसनुल कसस जी जी कुरान में किस सूरत को कहा जाता है या किस वाक़े को कहा जाता है, बल्कि किस वाक़े को कहा जाता है अहसनुल कसस? कुरान का सबसे खूबसूरत किस्सा असहाबे कहफ। कुरान का सबसे खूबसूरत किस्सा अहसनुल कसस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। बहुत माज़रत चाहता हूँ, आप अगले मरहले के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, प्लीज़ कोई और क्वेश्चन कर चेंज कर लें। नहीं कर सकते बिल्कुल, पप्पू यार तंग न कर। अतिया जमील आपका जी जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है वो उसमें फोर्थ ईयर में आप जी जी, बड़ा ही मुश्किल शोबा आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जी, इसको चूज करने की कोई खास वजह? नहीं वो सीट पे मिल गया था, मैंने ऐसा चूज नहीं करा था, दिल नहीं चाह रहा है। नहीं उन्होंने खुद मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन दे दिया था। खुद ही दे दिया आपको? जी। अभी भी दिल नहीं चाहता पढ़ने का? नहीं अब तो पढ़ती हूँ। क्या आप पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सिग्नल्स ट्रांसफार्मर्स वगैरह ये सब पढ़े। अच्छा ये क्या होता है ये सिग्नल्स जो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, किस वजह से होता है? ये बेसिकली हमारी जो सिग्नल्स होते हैं AM, FM और ये वेव्स होती हैं जो कि अब शिफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू फेज इन्वर्जन की वजह से, तो इस वजह से वो नहीं मतलब हमें सिग्नल कैच हो नहीं पाता। और ये सब वेव्स में होते हैं? जी जी। ये वेव्स में कैसे जाते हैं, ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ट्रांसमिट कैसे होती हैं? ट्रांसमीटर से होती हैं। और ट्रांसमीटर कैसे बनता है, उसमें क्या चीज़ होती है जो ट्रांसमिट करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ट्रांसमीटर में हमारे पास बेसिकली ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो एक सिग्नल को जो मिनिमम सिग्नल होता है उसको हाई करके हमें देता है। अच्छा कोड डिकोड पढ़ा है आप? जी आइडिया है थोड़ा थोड़ा सा आइडिया। जी जी। डिकोड कैसे होता है? किसी भी जो सिग्नल जाता है उसको मतलब इस तरीके से होता है, वो एक वेव की फॉर्म में जाता है, देन वो क्या कहेंगे माइक क्या रिसीवर पे जाके डीकोड होता है और फिर हम उसको मतलब सुन पाते हैं। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा सही से। जवाब गलत दिया आपने, ऐसे डीकोड नहीं होता है। मुझे याद नहीं है सही से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ये बात पढ़े हुए तो इसलिए मुझे जब भी तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपने दाखिला लिया है और आपको बुनियादी बातें नहीं पता, तो आप साइंस से रिलेटेड कुछ पूछ लें। ये साइंस ही है, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बता दें। पॉलिनेशन जब एक से पॉलिन एक फ्लावर या किसी भी फ्रूट से फ्लावर से बेसिकली फ्रूट से तो फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स गिरते हैं या कोई उसका इंसेक्ट वगैरह जो है उसको लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। वो एक जगह से दूसरी जगह को क्या कहते हैं, वो जो एक जगह से दूसरी जगह है ट्रांसफर होने को
ना ना वो जगहें कौन सी हैं ट्रांसफर, मैंने मैं यहाँ से सीट को लेके आपकी सीट तक ले आऊँ तो कुछ हो जाएगी, पॉलिनेशन नहीं होगी ना, नहीं होगी तो वो पॉलिनेशन, वो जगह कौन सी है? वो बेसिकली वो पॉलिन ग्रेन्स जाते हैं वो ट्रांसफर होके, वो कहाँ? एयर, फ्रॉम टू हवा के जरिए जाते हैं, फ्रॉम टू, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम टू, फ्रॉम फ्लावर टू, नॉट फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर का भी एक मकाम है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका स्टिग्मा से निकलते हैं, आई थिंक ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से निकलते हैं? स्टिग्मा से निकलते हैं पॉलिन ग्रेन, अगर स्टिग्मा से निकलते हैं जी तो पॉलिनेशन नहीं हो सकती। सर मुझे एक्चुअली बायो का इतना आइडिया नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग, आपने मुझसे का साइंस पूछ लिया, मैंने आपसे साइंस पूछी सर, साइंस जो आप कह रही है मैं आपसे वही कर रहा हूं सर, मेरा साइंस से मतलब था, फिजिक्स पूछ लो, साइंस में फिजिक्स भी आती है, फिजिक्स फिजिक्स ही पूछ लें सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताइएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा, आर्किमिडीज नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जी, बेसिकली हमारे प्रेशर पे बेस करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है उसमें, नहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है सर? एक्चुअली थ्योरीज तो वर्ड टू वर्ड नहीं आती अब, आपने मुझसे कहा साइंस पूछे मैं आपसे साइंस से बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा सर कोई ऐसा पूछ लें जो मुझे आता हो, कौन सा जहर है जिसका आज तक जायका नहीं मालूम हो सका? सर कोई से भी जहर का जायका नहीं मालूम हो सकता, वैसे जहर तो सारे वायरसेस होते हैं, बेसिकली वायरस भी एक जहर है। एक ऐसा जहर है जिसका जायका आज तक मालूम नहीं हो सका, तीन साइंसदानों ने उसका जायका मालूम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जिनमें से दो एस लिख कर मर गए और एक उसका जवाब नहीं दे सका। ये सर, दुनिया का सबसे मोहलिक तरीन जहर है सर, और केमिस्ट्री के अंदर इसका एक खास नाम है, केमिकल नेम है इसका। सर ये आई थिंक सांप का जहर होगा, वही सबसे ज़्यादा हैवी होता है, मतलब हैवी आई मीन टू से कि वो, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नेक्स एंड स्टफ लाइक दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, मैं आपसे साइंस से मुताल्लिक पूछ रहा हूँ। सांप का जहर होता है बिल्कुल ठीक है, बट मैंने आपसे पूछा है कि केमिकली वो कौन सा जहर है जिसका केमिकल नाम जो है वो बहुत अहम तरीन है। सर अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लोग हमें कहते हैं जाली डिग्री वाला, लेकिन जिनके पास डिग्री है वो नहीं बता पा रहे, उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। अब तक दरियाफ्त होने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 110। ऑक्सीजन सबसे पहले कब दरियाफ्त हुई? 1772। चले बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, अगर आप इसका जवाब दे देंगी तो फिर आपको हम अगले राउंड के लिए मुंतखब कर लेंगे, ठीक है ना? रोने की जरूरत नहीं है, नहीं सर नहीं, रोना नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, इंसान को बाहिम्मत होना जी, चाहिए जी। और ये आपको पता है आपसे खुद गलतियां हुई हैं जी, जी सर मैं तो मैं वो कर रही हूं। चले बेसिक साइंस पूछ लेता हूं आपसे, छोड़ें, बर्फ जमाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल? नाइट्रोजन। बर्फ जमाने के लिए किताब ही बंद कर दी थी मैंने, इतना बेसिक सवाल आपसे, बर्फ जमाने के लिए सर नाइट्रोजन ही आई मेरे माइंड में। वैसे आपने ऑक्सीजन की दरियाफ्त का सन सही बताया था, आपने एक और सवाल के जवाब भी सही बताया था, लेकिन बर्फ जमाने के लिए अमोनिया इस्तेमाल होती है, ठीक है? मगर मैं आपको फिर भी जो है माँ की दुआ जन्नत की हवा देता हूँ, आप अगले राउंड के लिए आ जाइए, लेकिन पढ़ के आइएगा, ठीक है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रही हैं इसलिए मैं आपको ये। थैंक यू सो मच सर।
इनको नूह क्यों कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, ये किस जगह पर होता है? ताज महल का नक्शा किस माहिर ने बनाया था? ये ऑफिस 365 क्या है? आपने जवाब दिया और सेकंड राउंड के लिए गए। ये मैंने आज तक अभी तक किसी के साथ नहीं किया। फर्स्ट आप होंगी।